कभी कभी ऐसा लगता है कि अकेले कहीं दूर जाऊं मेरी बाइक पर सोलो राइड, और खुद के साथ टाइम बिताऊं अकेले में नेचर के साथ, यहाँ पे नेचर को देखते हुए। बहुत सुकून मिलता है नेचर के साथ, ये नीले आसमान, पहाड़, नदियाँ, नेचर के जितने क्लोज रहता हूँ उतना अच्छा लगता है। बट ये सबकी शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी, ये ब्लॉग की शुरुआत हुई थी कहीं और से। सो चलो शुरू से शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। शुरुआत हुई थी यहाँ से, चेंबूर के इन खुरदुरे रास्ते और मेरी खटारा बाइक। मैं चाह रहा हूँ इस बाइक की थोड़ी मरम्मती करने के लिए, एक पार्ट है मडगार्ड जो इसका टूट गया है, तो बस वही लेने जा रहा हूँ खुरदुरा से इसकी मार्केट। यहाँ पे बाइक के पार्ट्स बहुत ही सस्ते मिलते हैं, तो चलो चलते हैं खुरदुरा से। ये मेरी बाइक की हालत तो जो बहुत ही खराब हो गई है, फ्रंट की फेयरिंग यहाँ से टूट गई है, पूरा आगे की फेयरिंग हिलती है, शॉकअप पूरा के पूरा खराब हो गया, पूरा ऑयल इसका निकल गया है, पूरा डर्ट डैंग पूरा ऑयली ऑयली हो गया है। प्लस ये आगे का फ्रंट गार्ड है, ये मैं चेंज करने जा रहा हूँ। आगे का टायर पूरा घस चुका है एंड उसको लाइक बहुत मतलब की जरूरत है। ये देखिए, हाँ ये जो स्पीडोमीटर का वायर है ये भी निकल गया, तो स्पीडोमीटर चलता नहीं है मेरा। और ये बैटरी कवर है, ये बैटरी कवर भी निकल गया है, कभी भी बैटरी चलते चलते बाहर निकल सकती है इसकी, इतनी हार्ड बाइक है मेरी। ये पूरी पीछे की फेयरिंग है पूरी तरह से टूट गई है, इन शॉर्ट पूरी की पूरी बाइक की बहुत गंदी तरह से वाट लग गई है बॉस। हे हेलो माय फ्रेंड्स, तो अभी मैं एक कुर्ला के ब्रिज पे हूँ। आई डोंट नो कि आपको किस तरह से ये नज़र आ रहा है, कि मेरे को बहुत अजीब लग रहा है यहाँ पे ब्लॉगिंग करने के लिए। बट मैं अभी एक सीएसटी मार्केट जा रहा हूँ जो यहाँ से कुछ ही दूर है। आप देख सकते हैं जो मेरी बाइक की हालत है, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताई है, ये बहुत ही ख़राब हो चुकी है। इसकी वजह से मैं सीएसटी मार्केट जा रहा हूँ मेरे बाइक के कुछ पार्ट्स है वो लेने के लिए। वहाँ पे सेकेंड हैंड तो नहीं, फर्स्ट वो पार्ट मिलते हैं लेकिन बहुत ही अच्छे मिलते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने बहुत सारा वीडियोस मिस कर दिया हूँ, लेकिन अभी मैं रेगुलरली वीडियो डालूंगा। मैं कुछ शॉर्ट फिल्म भी प्लान कर रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ मिलकर, तो वो भी होपफुली आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। मे भी शायद ये भी क्या नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा। तो लेट्स गो, बहुत धूप है यार, जब तक ये नज़ारा देख लीजिए आप। क्या ये है कुर्ला की झोपड़पट्टी। या जो मुंबई से के बाहर से मेरे दोस्त हैं, देख लीजिए या मुंबई बहुत ही ट्रैफिक एंड बहुत ही पॉल्यूटेड होते जा रहा है। मुंबई बहुत ही पॉल्यूटेड एंड पॉपुलेटेड होते जा रहा है, जिसकी वजह से मुंबई पे इतना बर्डन आ रहा है कि हर जगह अगर आप देख रहे होगे तो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, कोई टाइम पे कहाँ पे पहुँच नहीं पाता है। ट्रैफिक ट्रैफिक फ्रस्ट्रेशन लेवल मुंबई का एकदम एक हाई हो चुका है। हमारे गवर्नमेंट को यार कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में, एंड डेफिनेटली वो सोच तो रही है, अपन पता नहीं क्या सोच रही है। चलो हम चलते हैं अभी। हम ऑलमोस्ट सीएसटी मार्केट आ गए हैं। ये सीएसटी मार्केट के फ्रंट का हिस्सा है जो रोड साइड में आता है, जो आप मेरे लेफ्ट में देख रहे हो। यहाँ पे सारे फोर व्हीलर्स के जो पार्ट्स हैं ये मिलते हैं। एंड या ये जो लेफ्ट के अंदर की गली है, हाँ यहाँ से सारे जो टू व्हीलर के पार्ट्स हैं वो मिलते हैं। आज आई थिंक मंडे है, तो ज़्यादातर दुकानें बहुत बंद मिलेगी आपको। जो भी आप शटर बंद देख रहे हो वो एक्चुअली खुले हुए होते हैं, एंड वहाँ पे सारे बाइक के पार्ट्स लटके हुए रहते हैं, लाइक आगे की हेड लाइट, पीछे की टेल लाइट, फेयरिंग एंड ऑल। ये देखिए जो मेरे राइट के अंदर है। आगे दुकानें खुली हुई रहेगी, ये देखिए
नॉर्मली यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लेकिन मंडे के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। आप देख रहे हो पल्सर की टेल लाइट, टेल फ्रेम सब लटकी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, फर्स्ट कॉपी ओरिजिनल एवरीथिंग। अगर सेकेंड हैंड ओरिजिनल मिलता है जो बहुत ही अच्छी कंडीशन में रहता है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। ये देखिए, हाँ हाँ टायर टायर मेरा पूरा घसा हुआ है। यहाँ के सील्स बैंक जो रहते हैं वो इतने शार्प रहते हैं कि वो आपकी बाइक को सिर्फ एक नज़र देख के क्या क्या उसके अंदर रिप्लेस करना है वो सारा आपको बता देंगे। आपको भी नहीं पता होगा कि आपकी बाइक के अंदर इतनी खामियाँ हैं जितनी वहाँ के सेल्स मैन आपको बता देते हैं। ये जो एरिया है ये थोड़ा अंडर डेवलप एरिया है, तो यहाँ पे ना पक्की सड़क है ना ऐसा कोई पक्की दुकान है, जस्ट नॉर्मल दुकान है। मैं यही कहीं पे अपनी बाइक साइड में लगा देता हूँ एंड उसके बाद में जाता हूँ मैं। या ये बहुत सही जगह है लगाने की। चलो फिर मिलता हूँ आपसे बाद में। तो लो फ्रेंड्स, मैं आ गया ये मडगार्ड लेके। ये फर्स्ट कॉफ़ी मडगार्ड मैंने लिया है जस्ट 250 रुपीज़ का। ओरिजिनल 700 to 800 का था, बट ये भी बहुत ही सही है, काम चला हुआ है एंड बरसात में मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी इसलिए ये ले लिया। तो चलो अभी चलते हैं यहाँ से, अब बहुत धूप है यहाँ पे। अब ये मडगार्ड भी लगाना है मैकेनिक के पास जाके। हियर वी गो, लेट्स गो फ्रेंड्स। ये पूरे गटर के नाले यहाँ से बैठे रहते हैं। गवर्नमेंट ये इस एरिया पे ध्यान क्यों नहीं देती यार, थोड़ा तो इसे डेवलप करो। गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी इस एरिया पे ध्यान देना चाहिए। बहुत कचरा रहता है इधर, ना सड़कें पक्की बनी हुई है ना कुछ यहाँ पे। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, रॉन्ग वे से जाना, बट क्या करें, शॉर्टकट आदत से मजबूर। सामने से कोई गाड़ी आती तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है निकलने के अंदर, कॉज पहले से ही ये पहले से ही बहुत पतली सड़क है यार। एंड बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तो मुंबई में बहुत होती है। मुझे मेरी बाइक की तो टेंशन नहीं है, कुछ मुझे पता है मेरी बाइक का कुछ नहीं होगा, बट मेरे हैंडल से किसी कार वाले को स्क्रैचेस ना हो जाए। शिट, हैंडल लग गया रिक्शा पे। कमन 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 कमन। ओके ये निकल गया मैं। अब कोई कार नहीं आना चाहिए, शर्ट से सामने से ये आ रही है। ओके ये भी हो गया, तो आ गया मैं राइट रास्ते पे। यहाँ से सीधा ये ब्रिज मार के मैं कुर्ला उतरूंगा एंड वहाँ पे मैं कोई मैकेनिक ढूंढ लूंगा, अगर वो हो तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत गर्मी है यार, अभी डायरेक्ट मैं व्लॉग का आई थिंक घर जाके ही बनाऊंगा। सो गाइस बैक टू द होम, अभी जस्ट आया हूँ मैं, बहुत गर्मी का सामना करते एंड बहुत प्यास भी लगी थी मुझे, तो रास्ते में आते आते मैंने ये उठा लिया। मुंबई में जो गर्मी आप सोच भी नहीं सकते हो, लाइक इट्स रियली लाइक मुंबई में ही नहीं, ऑल ओवर द इंडिया जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इट्स इट्स रियली अ वेरी क्रिटिकल इश्यू जो कोई भी पॉलिटिशियन कवर नहीं कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है, हमें थोड़ा थोड़ा करके पार्टिसिपेट करना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। वी हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस इफ वी नॉट रिएक्ट, वी हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस।
आई डोंट नो आप में से कितने लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए सीरियस है, या तो फिर कितने लोग ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, एक इंडिविजुअल क्या करें ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम पिटीशन फाइल कर सकते हैं, इतने सारी हम अपनी सरकार को फोर्स कर सकते। एक इंडिविजुअल की एक चेन होती है, अगर आप फोर्स करोगे आप अपने फैमिली को बताओगे, आपकी फैमिली फोर्स करेगी सोशल नेटवर्क पे, तो ये सरकार जागेगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इन इंडिया ग्लोबल वार्मिंग को लेके कोई भी पोस्ट नहीं आते, जितने भी सोशल नेटवर्क पे जितने भी सेलिब्रिटीज़ है या तो फिर जितने भी बड़े बड़े पेजेस हैं, वो कोई ये सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करता ग्लोबल वार्मिंग को लेके। और यहीं पे मेरा चुतिया भाषण ख़त्म ग्लोबल वार्मिंग को लेके, और मेरा ब्लॉग भी। तो सायोनारा।